इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है और आईपीएल उसका सबसे बड़ा त्यौहार और आज से आई स्टार्ट हो रहा है जैसे ही इंडिया का सबसे बड़ा महोत्सव स्टार्ट होता है वैसे ही बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म सामने आते हैं और वो कहते हैं कि टीम बनाओ टीम बनाओ टीम बनाओ और सबको इनकेज करते हैं कि आकर टीम बनाओ मगर ऐसा क्यों है कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म जो इ नहीं है इंडिया में और इसे लीगल माना जाता है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी गैम्बलिंग होती है इंडिया में तो उसे लीगल माना जाता है

तो उसे फिर लीगल माना नहीं जा सकता फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेकिंग टीम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स आर नॉट इलीगल बिकॉज इसमें एक नॉलेज चाहिए क्रिकेट की नॉलेज चाहिए इसको टीम बनाने के लिए पीछे वेन्यू का पता होना चाहिए कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए मगर जो कि चांस का गेम होता है दैट इज़ मोस्टली द कार्ड बेस्ड गेम्स वो सब सारे चांस पर बेस्ड होते हैं लाइक like कसिनोज जो कि इंडिया में इलीगल माने जाते हैं मगर ऐसा नहीं कि इसको गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट है बहुत सारे साउथ में स्टेट्स हैं जैसे कि कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इवन इन पंजाब इसको बैन करने की बात कही जा रही है क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स और बड़े बूढ़े जो भी होते हैं इसमें पैसे लगाते हैं लेकिन जब वो डेट में आ जाते हैं उधारी में आ जाते हैं कर्जे में आ जाते हैं उसके बाद उन्हें सुसाइड करना पड़ता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं जिससे कि सोसाइटी की एक हेल्दीनेस ख़राब हो जाती है अकॉर्डिंग टू सोसेज ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट एडल्ट इंडियंस गेमिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं और पैसे कमाने के लिए उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग करने की कोशिश करते हैं वी कैन से इन इंडिया गेमिंग ऑफ चांस इलीगल एंड गेमिंग ऑफ स्किल इज लीगल गेमिंग और स्किल का मतलब रमी हो गया ड्रीम इलेवन या और भी प्लेटफॉर्म से टीम बनाना हो गया अपने स्किल के थ्रू बट गेमिंग ऑफ चांस ओनली डिपेंस अपॉन देयर लक न थिंग एल्स नो स्किल रिक्वर्ड दर पुल ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा नॉलेजेबल लगाओ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें क्योंकि एवरी ट्यूजडे थर्जे सैटरडे इवनिंग में इस चैनल पर वीडियो कंटिन्यूअली आ रहे हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड यू कैन चेक माई चैनल आट आल्सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसा आई पी एल एंजॉय करेंगे क्योंकि ये दो महीने का इंडिया का त्योहार है सो मीट यू वेरी सुन बाय